भाई भाई मेरे को इधर मेरे को बैठना उस कोने में, हट जा रुक जा रुक जा मेरे को इस कोने में और रुक जा पहले हमारी पहले हमारी पहले हमारी हमारी आ मुड़ गया क्या हो गया अबे रुक जा मुड़ गया पाओ अरे क्या हो गया भाई जी हाँ ये मैं ही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। शुरू से शुरुआत करते हैं। इंडिया में रह रहे हर एस्पायरिंग फोटोग्राफर की तरह मुझे भी ये जानना था यार सारे फोटोग्राफर्स दिल्ली में ही क्यों पाए जाते हैं। क्या वहाँ फोटोग्राफर्स की कोई पुश्तैनी खानदान है, या फिर वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट है इसलिए, या फिर वहाँ चोर बाजार में कैमरा सस्ते मिलते हैं इसलिए? सच क्या है यही जानने के लिए मैंने IRCTC की टिकट्स बुक करी और विंडो सीट लेकर दिल्ली पहुँच गया। यहाँ एक हफ्ते तक डेली शूट करने का प्लान बनाकर दीपक और मैं आ तो गए थे, लेकिन पूरा एक दिन मेट्रो में वेस्ट करने के बाद हमारा रात को प्लान बनता है कि सुबह सुबह यमुना घाट चलते हैं। यमुना घाट, अरे वही जगह जहाँ दिल्ली का हर एक फोटोग्राफर महीने में एक बार अपने कैमरा को दर्शन करवाने जरूर से लेके आता है। अब सुबह सुबह यमुना घाट जाना था इसलिए हम रात भर सोए ही नहीं। 5 बजते ही हम चारों दोस्त 3 कैमराज उठाकर यमुना घाट के लिए निकल पड़े। चलो भाई आ जाओ साथ। भाई सुबह के 6 बजे जा रहे हैं हम लोग यमुना घाट पे। अब यमुना घाट पे कुछ मिले ना मिले कुणाल मल्होत्रा जरूर मिल जाएंगे। गाड़ी साफ करना भाई, चलेंगे भाई, लेट्स गो। किधर है भाई? इधर है। ओके तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं यार अपने यमुना घाट पे। लेट हो गए, हम सनराइज तो होने वाला है, मतलब हो ही गया आई थिंक। मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम तो आए ना भाई दीपक पहले भी? मैं फर्स्ट टाइम आया हूं भाई, दिल्ली वाला हो गया। हां हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर यमुना घाट पर, और बहुत ही अलग वाइब है यार। मतलब मैं पहली बार आया हूँ और इतने सारे लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं भाई। जो कलर्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना भाई, क्या फॉग है, क्या ड्रीमी लोकेशन है यार ये। मेरा यकीन नहीं हो रहा भाई कैसी जगह पे आ रहा हूँ मैं। बहुत मज़ा आया भाई, मैंने बहुत सारी फोटोज और वीडियोज क्लिक की है बट मैं उनका बिहाइंड द सीन नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, मतलब बहुत ही कम टाइम मिला भाई हम लोगों को शूट करने का, और बोट में आ रहे थे हम लोग, तो इसलिए मैंने बहुत, मतलब मैंने 5 मिनट में ना भाई 3 लेंसेज चेंज कर लिए अपने और खचाखच फोटो वीडियो तगड़ी भाई, मज़ा आ गया। अभी ये बोट वाले भैया ने ना हमें यहाँ रास्ते में छोड़ दिया, ठीक है। ये बीच में एक आइलैंड सा है, यहाँ पर अभी अपन लोग शूट करने वाले हैं एंड फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो भाई व्यू, नज़ारे। ये था हमारा यमुना घाट का ट्रिप। आई होप आपको सारी फोटोज एंड वीडियोस अच्छी लगी होगी एंड हमारा नाव वाला आ चुका है भाई। तो कैसा लगा भाई तुम्हें? बहुत बेहतरीन भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा यमुना घाट का और ऑसम भाई, लाइक स्वाद आ गया।
हाँ भाई ऐसे भी तेरा क्या स्वाद आ गया। ये वैसे फोटोग्राफर नहीं है लेकिन इसको भाई फोटो खिंचाने काफी सही है भाई, मजा आ गया भाई। मतलब दिल्ली में आके हमने कभी यमुना घाट नहीं देखा था। तुम जैसे लोग सालों कलंक को दिल्ली के नाम पे भाई यहाँ पे इस आइलैंड पे तो काफी सारी फोटो ले ली हमने, लेकिन अभी हमारी ना बोट आ चुकी है आइलैंड में जो भी है, मतलब टापू आइलैंड छोटा सा आइलैंड, इस पे हमने फोटो ले ली बहुत मस्त मस्त। अभी ना बोट पे बैठ के शॉट लेने वाले हैं भाई, बहुत तगड़े तगड़े। ठीक है, ये हमारी बोट आ चुकी है, मेरे को हमारी बोट नहीं आएगी वापस, लेकिन फाइनली भाई हमने फोन किया और बोट अपनी आ चुकी है। भाई जूते गंदे हो गए यार, भाई गंदे बहुत बुरे हो गए। थैंक्स भाई हमें पिक करने के लिए, हमें लगा तुम छोड़ गए हमें। भाई भाई मेरे को इधर मेरे को बैठना उस कोने में, हट जा रुक जा रुक जा, मेरे को इस कोने में और रुक जा पहले, हमारी पहले हमारी पहले हमारी उड़ गया। क्या हो गया? अबे रुक जा, उड़ गया पाओ। अरे रात से रात से क्रैम्प आ गया क्या? अरे एकदम से उड़ गया बने। तो नीरज भाई के पैर में लग गई है, ऐसे करना पाओ सकता है इसमें। तो ये हुआ एक बहुत बड़ा हादसा, आपके नीरज भाई अक्का NSB पिक्चर्स का पैर चटक गया। ये हुआ तो बहुत बुरा, पर थैंक गॉड ये यमुना घाट से लौटते वक्त हुआ। क्या हो गया भाई? भाई पैर टूट गया। फक मैन। यमुना घाट, लोधी गार्डन, हुमायूं टॉम, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावली, बावली या बावली और जामा मस्जिद, ये 7 लोकेशंस को हम 7 दिन में कवर करने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन ये कांड हो गया, तो फिर बस रूम के अंदर बैठ के 7 दिन तक हमने पॉडकास्ट किए, सिर्फ यमुना घाट ही कवर कर पाए। लेकिन बहुत मज़ा आया, जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ हमें मिली ना वो बिल्कुल ही अनरियल थी। बाकी आप बताना आपको ये फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैसी लगी। इसके अलावा पॉडकास्ट तो बहुत अमेजिंग हुए ही हैं मेरे खुद के फेवरेट क्रिएटर्स के साथ, और वीकली एक पॉडकास्ट आने वाला थिंक क्लाउड पर, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को, बाकी तो आपको पता ही है,